नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें कि आप असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज हम किस सेक्शन में असेसमेंट प्रोसीजर को समझने का प्रयास करेंगे, वो है सेक्शन 143। अब उसका सब सेक्शन है 1, 2 और 3। तो जनरली हम देखते हैं, जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेते हैं अपना, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद वो प्रोसेसिंग हो जाता है। तो प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद डाउनलोड इंटीमेशन, तो जो इंटीमेशन वहाँ डाउनलोड के लिए आपको मिलती है, वो इंटीमेशन मिलती है हमें सेक्शन 143(3) के अंतर्गत। तो जनरली क्या होता है, सारे रिटर्न ही के साथ ये सारा प्रोसेस पहले 143 के अंतर्गत ही किया जाता है। 143 के अंतर्गत 1231 के अंतर्गत जो प्रोसेस किया गया ये रिटर्न, वो सभी 100% रिटर्न उसी के अंदर प्रोसेस होते हैं। अब उनमें से जो रिटर्न ये 100% प्रोसेस हो गए, उसमें से 3-5% केस स्क्रूटनी के लिए सिलेक्टेड होते हैं, वो सेक्शन होता है स्क्रूटनी के सिलेक्शन के लिए 143(3). अब जब इनकम टैक्स के लिए ये रिटर्न स्क्रूटनी के लिए अगर आपका प्रोसेस करने के बाद सेलेक्ट हो गया है, तो अब हमें जानना है कि अब ये जो नोटिस स्क्रूटनी के लिए हमारे सेलेक्ट हो गया है, तो अब उसके लिए क्या कंडीशन है जो हमें पहले देखनी होती है कि ये हमारे लिए सही सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। हमारे पास इसके लिए दो कंडीशन को ध्यान में रखना होगा। पहली कंडीशन तो इसमें ये है कि जो 143(3) का असेसमेंट होगा, उसको कोई भी AO असेसमेंट ऑफिसर 143(2) के अंतर्गत ही उसको नोटिस जारी करेगा। अगर 143(2) के अंतर्गत नोटिस जारी नहीं करता है, तो ये समझिएगा कि वो असेसमेंट ऑर्डर एक्शन 143(3) में कर ही नहीं सकता। दूसरी कंडीशन है जिसमें कि बताया कि 100% रिटर्न आपके 143(1) में प्रोसेस होते हैं, अर्थात इंटीमेशन आती है। तो इसका मतलब इंटीमेशन जब भी आएगी आपके पास, जब आपका रिटर्न फाइल हुआ होगा। अगर फाइल रिटर्न नहीं है, तो इंटीमेशन का भी कोई मतलब भी नहीं बनता। तो इस प्रकार देखेंगे, इस प्रकार दो प्रकार की कंडीशन हमारे पास निकल कर आती हैं 143 के ऑर्डर को या असेसमेंट होने के लिए। पहली तो ये है कि पहले आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो गया आपका, तो प्रोसेस होगा और 143(1) के अंतर्गत इंटीमेशन ऑर्डर वहाँ पर आएगा। वो 143(1) में प्रोसेस होने के बाद, इंटीमेशन आने के बाद, अब वो जो रिटर्न है आपका, दूसरी कंडीशन आती है कि आपको स्क्रूटनी का नोटिस आना चाहिए। अब स्क्रूटनी का नोटिस कौन सा है, 143(2) के अंतर्गत आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, तो आपका असेसमेंट इसमें 143 में हो जाएगा। उसमें कुछ एनेक्जर वगैरह आगे के भी प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, आपको नोटिस भेजा जाता है, फिर सेकेंड नोटिस भेजा जाता है, फिर टाइम लिया जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं, फिर एनेक्जर के माध्यम से जितनी लिस्ट में डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं लिस्ट के अंतर्गत, वो सारे के सारे आपको पोर्टल पर, क्योंकि फेसलेस असेसमेंट हो गया है, और फेसलेस असेसमेंट में जो आपका ये होता है, वो होता है फेसलेस असेसमेंट सेंटर दिल्ली, जनरली वहीं से आता है, उसी को AO माना जाता है। अब तो कभी भी आपके पास इस प्रकार का असेसमेंट के लिए आपका सिलेक्ट हो गया है, असेसमेंट स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए सिलेक्ट हो गया है, तो हमेशा हमें इन दो बातों को ध्यान में रखना होगा, ताकि हमें किसी प्रकार की समस्या उसको असेसमेंट कराने में ना हो। क्योंकि नोटिस आते ही हम घबरा जाते हैं, या कभी कभी होता है नोटिस मिलते नहीं है अपने को, और नोटिस नहीं मिलते तो पता लगता है कि 143 का ऑर्डर हमारे पास आ गया, तो उस केस में हम घबरा जाते हैं, हमको पता नहीं होता, हम समय निकाल लेते हैं। जबकि वो जब हमें नोटिस ही नहीं आया 143 का, तो फिर वो असेसमेंट हो कैसे सकता है। तो इस प्रकार की समस्या का समाधान हमको इस वीडियो के माध्यम से पता लग गया है। तो हम आगे कभी भी भयभीत ना हो असेसमेंट ऑर्डर आने पर, और ये चेक करें कि मेरा रिटर्न फाइल है कि नहीं है। सेकेंडली, इंटीमेशन हमारा 143(1) में प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है। थर्डली, आपका ये 143(2) का नोटिस आया है कि नहीं आया। ये सारी कंडीशन आप समझ लेंगे, तो उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर वैलिडिटी और इनवैलिडिटी का आप उसमें चेक भी कर सकते हैं। अब जो 143(2) का नोटिस का फॉर्मेट है, किस प्रकार का होता है, अगर आप नए हो, आपने कभी नहीं देखा है, तो हमने उसका सैम्पल फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वीडियो में भी आपको उसकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साथ ही ऑर्डर किस प्रकार का होता है 143(3) में, उसका भी हमने फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया हुआ है, अगर आप उसको देखना चाहें, क्योंकि आपको पता लग जाए, अगर पहले कभी आपने ऐसा नहीं सोचा
कि किस प्रकार का होता नहीं देखा, तो आप उसे फॉरवर्ड कर देख सकते हैं, प्रैक्टिकली आपको जानकारी भी हो जाएगी। साथ में हमने स्क्रीन पर भी इसको शो किया हुआ है। और इनकम टैक्स रिटर्न आपका फॉरवर्ड मालूम ही होता है, इसका इनकम टैक्स रिटर्न कैसा होता है, वो जो इंटीमेशन निकल जो हमारा एक्नॉलेजमेंट निकल कर आता है ई वेरीफिकेशन के बाद, पहले तो बिना वेरीफिकेशन के बाद भी वो जो एक्नॉलेजमेंट होता था वो निकल आता था, लेकिन अब ई वेरीफाई होने के बाद ही एक्नॉलेजमेंट निकलता है। तो इन सभी के फॉर्मेट हमने स्क्रीन पर भी आपको वीडियो के माध्यम से भी शो किए हुए हैं, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अगर फॉर्मेट PDF की कॉपी भी आपको देखनी है तो आप देख सकते हो। और इस सैंपल फॉर्मेट, इसके अलावा अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड ऑर्डर आया है या नोटिस आया है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से या ईमेल आईडी जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और वीडियो के एंड में भी मिलेगी, उसके माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं, तो हम आपका तुरंत जवाब देकर आपकी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपके हम लेकर आते रहेंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय भारत।